जहन दोस्तों, हम में से हर एक लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में बनाना यानी कि केला को खाया है। दोस्तों, केला सेहत के लिए बहुत लाभदायक भी होता है, लेकिन आज मैं केला के लाभकारी गुणों के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं दरअसल ये बात करने जा रहा हूँ कि जो केला होता है वो कर्व क्यों होता है। दोस्तों, आप लोगों ने खीरा भी खाया होगा या तो देखा होगा, तो खीरा जो आपको दिखता है वो सीधा दिखता है, लेकिन केला जो होता है वो आपको हल्का टेढ़ा दिखता है, कर्व दिखता है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो जो आप इस केला को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये केला एक प्रकार से कर्व है, एक टेढ़ा हो जाता है ये केला। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये केला जो है वो टेढ़ा क्यों होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने केला का पेड़ देखा होगा, तो जब आप केला का पेड़ देखते हैं तो आपको दिखेगा कि जब वहां से केला निकल रहा होता है तो कुछ इस प्रकार का फूल सबसे पहले बाहर की तरफ निकलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं पिक्चर के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूँ दरअसल केला ग्रो कैसे करता है। तो सबसे पहले केला के पेड़ से इस प्रकार से फूल निकलता है, उसके बाद उसमें से इस प्रकार से धीरे धीरे केला निकलना शुरू होता है। तो दोस्तों, दरअसल कि जो आप ये फूल देख रहे हैं ये जमीन के तरफ नीचे के तरफ आ रहा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन का नाम सुना होगा। ग्रेविटेशन किसी भी चीज को जमीन के तरफ खींचने का काम करती है। तो केला का जो फूल होता है और जो केला होता है वो सारा जो है नीचे के तरफ फोर्स लगाते हुए, चूंकि जमीन उसको अपने तरफ खींच रहा होता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो केला का फूल और केला सभी नीचे के तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब है कि सूर्य के कारण केला जो होता है वो क्या होता है कि अपने दिशा को बदल लेता है। दरअसल इसके पीछे का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि जो केला का पेड़ शुरुआती दौर में पाया जाता था वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था, यानी कि वैसे जंगल में जहां पर कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा नहीं जा पाता था। तो केला क्या करता था कि सूर्य का प्रकाश उसको सही तरीके से मिले, इसके लिए केला क्या होता था, नीचे जाने के बजाय हल्का सा वो क्या होता था, अपने पोजीशन से कर्व हो जाता था ताकि उसको सूर्य का लाइट मिल सके। तो यही कारण है कि केला जैसे जैसे ग्रो होते जाता है तो वो कर्व होते जाता है, सूर्य के प्रकाश को लेने के लिए वो टेढ़ा होता है, मानी ऊपर की तरफ जाता है। तो केला का जब पेड़ बढ़ रहा होता है तो वहां दो फोर्स काम करता है, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स जो केला को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करता है, और दूसरा सूरज के कारण जो सूरज का प्रकाश जो होता है वो केला को ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो दो फोर्स एक साथ वर्क करता है केला के ऊपर। तो यही कारण है कि केला जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है, वो कर्व हो जाता है, क्योंकि जमीन भी खींच रहा होता है और उसको सूरज भी खींच रहा होता है। तो यही कारण है कि केला हमको टेढ़ा दिखाई देता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।